शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये ब्रांड का लॉन्च ना सिर्फ सिद्ध का सपना नहीं था, ये हमारा भी सपना था। पर पता नहीं, शायद हमारी किस्मत में ये सुहाने पल लिखे ही नहीं थे। ये सब क्या कैसे? आशी प्लीज, इतना बुरा मत मानो। जो हुआ वो हुआ, उसे भूल जाओ। अब टेंशन लेके क्या फायदा? देखो, मैं जानती हूँ सिर तुमसे बहुत गुस्सा है, लेकिन ये बस थोड़ी देर की बात है। मैं जानती हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करता है, ज्यादा देर तुमसे गुस्सा नहीं रहेगा। मासी जी, हम सिद से मिलके आते हैं। ऑफ कोर्स, जाओ। मेरा हमेशा से सपना रहा है माँ के नाम का ब्रांड लॉन्च करना, और अब जब मेरा ये सपना कला क्रिएशंस पूरा होने जा रहा है तो मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। कम इन। सिड, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी, प्लीज एक बात सुन लो। अब कहने सुनने को बचा ही क्या? जो बचा है उसी को बचाना है। कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया है। सिर्फ प्लीज, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो डिजाइन्स मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है, प्लीज उन्हीं डिजाइन्स के साथ अपनी ब्रांड को लॉन्च मत करो। अपनी इज्जत छोड़ दो सिर। यही कहने आई हूँ? वाह आशीवा, क्या तीर छोड़ रही हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा? तुम कहोगी कि सांसें लेना छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा। तुम कहोगी कि उगता हुआ सूरज देखना छोड़ दे, रात में सोना छोड़ दे तो मैं छोड़ दूंगा। तुम कहोगी जीना छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा। अरे हाँ, तुम तो चाहती ही हो कि मैं जीना छोड़ दूं। तुम तो चाहती हो कि मैं मर जाऊं। वो बात अलग थी, ये बात अलग है। तुम्हारी हर बात और होती है, लेकिन उसमें एंड में बर्बादी सिद्धार्थ शर्मा की होती है। खैर, होती है तो हो जाए, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। सिर्फ तुम बात को कहीं से कहीं और लेके जा रहे हो। और तुम मेरी जिंदगी को, मेरे बिजनेस को कहां से कहां ले गई? मुझे बिना बताए मुझे और मेरी माँ के ब्रांड के नाम को कहां से कहां ले गई? तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तो मैंने सोचा मैं डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए 50% रेट में ही सेलिंग कर देता हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो ये चाहती हो कि अब मैं डिजाइन लॉन्च ही ना करूं। क्यों ना करूं आशीष शर्मा, एक रीजन बता दो मुझे, क्यों ना करूं? सिर्फ वो। वो क्या? मुझे एक वजह बता दो। आई प्रॉमिस नहीं करूंगा। झूठ नहीं, सच बोलना। अगर हमने सिद्ध को सच बता दिया कि अगर इसने डिजाइन्स लॉन्च कर दी तो सिंघानिया इस पे केस कर देगा, तो ये वो डिजाइन्स लॉन्च करके ही रहेगा, अपनी जिद और गुस्से में आके सिंघानिया से भी लड़ जाएगा। नहीं, हम सिद्ध को सच नहीं बता सकते। चुप क्यों, बोलो क्या वजह है? अगर तुमने सेम डिजाइन्स मार्केट में लॉन्च कर दी ना, तो सिंघानिया दो अलग अलग ब्रांड्स को सेम डिजाइन सेल करने के इल्जाम में हम पे केस कर देगा। बस चाहिए से हमें जेल हो जाएगी। हमारे खातिर इस ब्रांड लॉन्च को रोक दो। ओहो, तुम पे केस कर देगा? सॉरी सॉरी, तुम पे केस हो जाएगा तो फंस जाओगी, फिर तो ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। मुझे बिल्कुल अच्छा अच्छा बुरा मुझे कुछ लगता ही नहीं। तुम पे केस कर देगा ना, तो होने दो केस। तुम्हें फंसा देगा तो फंस जाओ। हमें जेल हो जाएगी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो होने दो, होने दो तुम्हें जेल। और वैसे भी धोखा तो तुमने किया ही है, मेरे साथ भी उसके साथ भी। गलती तो तुमने की ही है। उप्स, गलती नहीं, गुनाह। गलती और गुनाह में एक धागे भर का फर्क होता है। गुनाह किया है, वो लाइन क्रॉस कर दी है, और उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। सिर्फ हम नहीं जानते कि तुम हमें कितना समझ पाए हो और कितना समझोगे, लेकिन एक बात समझ लो, जब बात अपनों पे आती है प्यार खुद अपने हाथों से अपने बलिदानी चुनता है। तो चुन लिया, ये मेरा बलिदानी है। जो बिजनेस में इतना लॉस खा के बैठा हूं, ये मेरा बलिदानी है। अब मैं सूली चढ़ के मर भी जाऊं ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जाओ,
सिंघानिया के साथ अपना बिजनेस करो, पैसे कमाओ, ऐशो आराम की जिंदगी जियो और सिंघानिया के साथ। बस करो सिद्ध, तुम अपने हाथ पार कर रहे हो। हाथ तो तुमने पार कर दिया आशी। जाओ सिंघानिया के साथ अपनी जिंदगी की डिजाइन भी बना लो। जाओ जो करना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप आशी से चाहे कितना ही नाराज हो जाए, लेकिन आपके दिल में आशी के लिए प्यार और फिकर कभी कम नहीं होगी। एजाज, उठाओ इसे। आशी तुम ठीक तो हो ना? आशी तुम कहाँ चल रही हो? हम देखते हैं उसे। आप प्लीज लॉन्च की तैयारी कीजिए, आपका यहाँ होना जरूरी है। माँ हम आते हैं। सिर्फ तुम्हारे और आशी के बीच में क्या चल रहा है? तुम उससे इतना नाराज क्यों हो? देखो माना उसने गलती की, लेकिन उसने अपनी गलती मानी भी है, राइट? प्लीज उससे जाके बात करो और जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर लो। आशी, ये लॉन्च प्लीज रोक दीजिए। लेकिन क्यों? पापा मैं कलेक्शन न्यू डिजाइन्स के साथ लॉन्च करूंगा। कला क्रिएशंस का लॉन्च मैंने रोक दिया है, तो आप लोग प्लीज जा सकते हैं। तो सुना आपने, सिद्धार्थ शर्मा ने डिजाइन कलेक्शन लॉन्च रोक दिया है। ऐसे अचानक मिस्टर सिद्धार्थ अपना लॉन्च कैसे रोक सकते हैं? क्या वो मिस्टर सिंघानिया से डर गए हैं? मिस्टर सिंघानिया और मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा अपने ब्रांड के लिए धीरे धीरे कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नो कमेंट्स। सर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर ने अपना कलेक्शन लॉन्च करने से पहले ही कैंसिल कर दिया हो, तो अभी ऐसा क्या हुआ जो उन्हें कैंसिल करना पड़ा? सिद्धार्थ जो है अपने नए कलेक्शन को नए डिजाइन्स के साथ में लॉन्च करेगा। सर लेकिन फिर भी गाइस, इवेंट इज ओवर। मैम ये बताइए कि ये लॉन्च होगा कब? जब भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। राम जी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आशी सिंघानिया के पास खूब तरक्की करे, खूब पैसे कमाए और हम पर बरसाती रहे। गुड न्यूज़ सर, सिद्धार्थ शर्मा ने अपनी कला क्रिएशन की लॉन्चिंग रोक दी है। आशी कुछ बताएगी? हम तुझे कुछ पूछ रहे हैं ना आशी। आशी इधर देख, आशी तेरी आंखों में दर्द दिखाई दे रहा है, तू बोलेगी कुछ? आशी क्या हुआ है, कुछ बताएगी? आशी
अगर सिद्धार्थ शर्मा ने उसका कलेक्शन का लॉन्च नहीं रोका तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर आशि, तूने सिद्ध भाई से क्यों झूठ बोला? उन्हें तो सच बता देती, सिंघाने का सच क्यों नहीं बताया उन्हें? क्योंकि हम जानते हैं सिद्ध को, हर चीज को अपने ईगो पे ले लेता है। अगर उसे अभी बताते ना तो वो वैसे ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता और कभी पीछे नहीं हटता। हमने उसे बोल दिया कि हम पे केस कर देगा। पागल है क्या तू? राम जी, कहीं मासी जी और पापा जी ने सब सुन तो नहीं लिया?